जय हिंद। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जाना था और आज हम लोग जियोलॉजी के एक न्यू टॉपिक चट्टान के बारे में समझेंगे। समझेंगे कि चट्टान क्या है, यानी रॉक्स किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, आग्नेय रॉक्स क्या हैं, है ना, जिसे हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक, और फिर अवसादी चट्टानें क्या हैं, रूपांतरित चट्टानें क्या हैं, इन सभी चीज़ें के बारे में हम लोग जानेंगे विथ एग्जाम्पल्स के साथ। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, रॉक्स यानी चट्टान के बारे में बताया गया है और हमने आप सभी को बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि पृथ्वी के आंतरिक परत की अगर हम लोग बात करें तो तीन आंतरिक परत हैं, जिसमें कि क्रस्ट आते हैं, मेंटल और कोर, है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और हमने बताया था कि मेंटल से ही ज्वालामुखी की उद्गार होती है, मेंटल से ही भूकंप की तरंगे निकलती है, चाहे वे पी वेव्स हो, एस वेव्स हो या एल वेव्स हो, जो भी तरंगे होती हैं ये मेंटल से ही निकलती है, यहीं से ज्वालामुखी का भी उद्गार होता है, ठीक है। तो आज हम यही ज्वालामुखी के माध्यम से ही जो चट्टान का निर्माण होता है उसके बारे में जानेंगे। ये सपोज माउंटेन है, ज्वालामुखी जब नीचे रहता है अपने अवस्था में तो ये मैग्मा अवस्था में रहता है, ठीक है, और ये जब निकलता है, ठीक, और जिस छिद्र से होकर के निकलता है उसे हम लोग क्रेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्रेटर के नाम से जानते हैं। और ये धधकता हुआ आग का ज्वाला होता है, ठीक है, और आ करके अपने में ये सिमट जाता है, काफी ठोस तरह से ये अपने आप को क्या कर लेता है, जकर लेता है, ठीक है, अपने आप को क्या कर लेता है, जकर लेता है, ठीक है। ये आग से बना हुआ रहता है और पूरा मतलब धधकता हुआ आग रहता है, इसलिए हम इसे आग से बना हुआ, इसलिए आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान, ठीक है। इसे हम लोग इग्नियस रॉक के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, इसे ही हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, प्राथमिक चट्टान। यहां पे बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है, बहुमूल्य धातुएं जो हैं आग्नेय चट्टान से ही मिलती है, ठीक है। और इसका जो तल है, तल में अपक्षय और अपरदय के कारण बराबर घिसावट होती रहती है, ठीक है। आग्नेय चट्टान के बारे में हमने समझ लिया कि आग्नेय चट्टान जो धधकता हुआ आग का मतलब ज्वाला होता है और उससे जो मतलब बनता है तो उसे हम लोग प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टान कहते हैं, इसे इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं। और इसका तल जो है, ये तल घस, इसका जो तल है ये घिसावट के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और अलग होकर के एक नया चट्टान का निर्माण करता है, ठीक है। इसका तल अलग हो जाता है इसलिए और दूसरे जगह जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं तलछट्टी चट्टान। कैसा चट्टान? तलछट्टी चट्टान। तलछट्टी चट्टान जो है यही सबके तल से आकर के मतलब बनता है, तलछट्टी चट्टान। इसे हम लोग इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं और इसे ही हम लोग अवसादी चट्टान भी कहते हैं। अवसाद यानी किसी भी चीज का अवसाद, जैसे कि हम मान से अगर निकाल लें तो उसे भी हम लोग अवसाद कहते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का अवशेष जो बचा हुआ रहता है उसे ही हम लोग अवसाद कहते हैं। इसी में मृत जीव ये सब जो भी पाया जाता है, चाहे वो कचरा हो, कूड़ा हो, कचरा हो, जितने भी चीज होते हैं सब यही अवसादी चट्टान में ही जमा हो जाता है और ये परत दर परत पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। कैसा चट्टान कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं, ठीक है। ये जो है इसी में जितने भी जीव होते हैं, चाहे वे केचुए हो, सांप हो, बिच्छू हो, ठीक है, अगर वे सबकी मृत्यु होती है तो वे इसी चट्टान में दब दब जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये औषधीय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक। और यहीं पे क्या पाई जाती है? यहीं पे जीव का अंश होता है, इसलिए हम इसे जीवाश्म चट्टान के भी, जीवाश्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जीवाश्म जैसे ही पाया गया, यहीं पे पेट्रोलियम पाया जाएगा, ईंधन पाया जाएगा, कोयला पाई जाएगी, पेट्रोलियम, ईंधन, कोयला, ये सभी जो है ये सभी कहां से पाई जाती है? तलछट्टी चट्टान से, जिसे हम लोग औषधीय चट्टान के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में से सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है।
ये अवसादी चट्टान हो गया, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज को हद से अधिक अगर ताप दे दिया जाए, ताप का मतलब होता है टेम्परेचर दे दिया जाए, टेम्परेचर के साथ उसे क्या कर दिया जाए, एक दूसरे में चिपका दिया जाए और दाब लगाया जाए, यानी कि यहां से हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे से हम हीट कर रहे हैं और ऊपर से काफी मतलब प्रेशर के साथ क्या कर रहे हैं, उसे दाब रहे हैं, तो इसका जो रूप है रूप में ही चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही रूप चेंज हो जाएगा ताप एवं दाब के कारण, इसे हम लोग कहेंगे रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। इसका रूप में अंतर आ गया इसलिए हम लोग इसे कहते हैं रूपांतरित चट्टान, इसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, इसे तृतीय चट्टान के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो है इसी का, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें संगमरमर आते हैं, बलुआ पत्थर आते हैं, ठीक है, चौक जो मतलब टीचर लिखते हैं ना सरकारी स्कूल में इस प्रकार से चौक चौक होता है ना, चौक भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, बलुआ पत्थर का, सॉरी ये रूपांतरित चट्टान का, यानी कि किसी भी चीज का चूना पत्थर है ना, ये चूना पत्थर का ही बना होता है, चूना पत्थर का ही जो मतलब अवशेष रहता है उसे अगर लिक्विड फॉर्म में बना दिया जाए तो उसी से खैनी खाया जाता है, जो मतलब खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रूपांतरित चट्टान के बारे में। ये आग्नेय चट्टान की हम विशेषता बताया कि ये किस प्रकार से मतलब आग के भांति धधकता हुआ रहता है, और इसका अगर अवसाद अगर हल्का फल्का तल अगर छट छट के अगर जा रहा है तो ये अवसादी चट्टान का रूप ले लेता है, जैसे हम लोग तल का छटा छट जाता है इसलिए हम लोग तल छट्टी चट्टान के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपरी भाग में जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, यहीं पे महाद्वीप, सॉरी ये महासागर पाए जाते हैं। महासागर में क्या होते हैं, महासागर में जल होते हैं, ठीक है, और जो मतलब खाली प्लेस हैं वे क्या होते हैं, स्थल होते हैं, उसे हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इसमें जल होते हैं इसलिए हम इसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं, और स्थल जहां पर रहता है हम उसे कहते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। ये तो गई क्रस्ट की बात। अगर हम लोग मेंटल की बात करें, मेंटल के ऊपरी वाले परत में यहां तो मतलब धधकता हुआ ज्वालामुखी है, मैग्मा है, ठीक है, यहीं से ना मतलब इस सब चीज का निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टान का, अवसादी चट्टान का, रूपांतरित चट्टान का, ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्थेनोस्फीयर, ठीक है, इसे हम लोग स्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये जो है, ये मेंटल के ऊपरी परत है, ये सभी जो चट्टान है ये जो है ये साइकिल इसी प्रकार से चलते रहता है, साइकिल के बारे में है ना, यानी कि चट्टान के साइकिल के बारे में जिसे हम लोग रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग अभी अगले वीडियो में बताएंगे, और बताएंगे कि किस प्रकार से आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान नीचे चले जाता है, नीचे चले जाने के फलस्वरूप उसमें किस प्रकार से तापांतरण होती है, कैसे ताप दिया जाता है, और कैसे वे अपने रूप को त्याग करके एक दूसरे में विलीन हो जाती है, और किस प्रकार से आग्नेय से अवसादी का निर्माण करता है, और किस प्रकार से आग्नेय से डायरेक्टली रूपांतरी का, रूपांतरित चट्टान का निर्माण कर लेता है, और यहाँ से इसका भी डायरेक्ट निर्माण कर सकता है, और यहाँ से ये, और रूपांतरित चट्टान के आग्नेय चट्टान बन सकता है फिर, अगर यहाँ ये बन सकता है तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बनाएंगे बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।